हेलो माय डियर रियल्टियंस, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रश्मि। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोग रिसेंटली द नेदरलैंड्स शिफ्ट हुए हैं। आई ऑल्सो नो कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिला है, तो वो लोग भी जल्दी जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा इमीडिएटली जब आप द नेदरलैंड्स शिफ्ट होते हैं तो आपको क्या क्या करना है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर वन, आपको लेना है सिम। ये जो सिम है आपको मिल सकता है एयरपोर्ट पे ही। जैसे ही आप लैंड करेंगे थोड़ा टाइम दीजिए और आपको मिल जाएगा सिम। या तो फिर अगर आपको यहाँ पे आए हुए कुछ टाइम हो गया है तो बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जहाँ पर आपको सिम मिलता है। ये जो पॉइंटर्स हम आपको बता रहे हैं आप इनको अपने टू डू लिस्ट में रखिए, क्योंकि इन सब पे डिटेल वीडियो हम आपके लिए बनाने वाले हैं। सो डू नॉट वरी। चलिए, लेट अस गो टू पॉइंट नंबर टू, रेंटिंग अ फ्लैट। द नेदरलैंड्स में अभी घरों के बहुत क्रंच चल रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन ढूंढना स्टार्ट करना है इमीडिएटली। किसी को एक महीना लगता है, किसी को छः महीना लग जा रहा है, इसीलिए आपको करना है तुरंत स्टार्ट। और जो ब्रोकर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो ऑनलाइन भी आपको घर दिखा देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसका मतलब स्टार्ट कर दीजिए आप घर देखना। अगर आप लकी हुए तो आपको मिल जाएगा आपके मनपसंद का घर, और नहीं तो फिर कहीं भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। बिलीव मी, जो बैचलर्स होते हैं वो कहीं भी रहते हैं लोगों के साथ हॉस्टल्स में, फैमिली वाले जो कपल हैं न्यूली मैरिड हस्बैंड वाइफ ओनली, जिनके बच्चे नहीं हैं, तो उन लोगों को घर ढूंढने में खासा दिक्कत होती है। और जिनको जिनके पास बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सो ट्राई हंटिंग फॉर द फ्लैट्स। फ्लैट्स के बारे में आगे की जानकारी हम कमिंग पॉइंट्स में जानेंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट नंबर थ्री, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है INDIE में। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो मिस कर दिया है, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक द वीडियो। वहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर करने के लिए अपने को प्रेजेंट करना पड़ता है। वहाँ से आपको मिलता है रेसिडेंट परमिट कार्ड और साथ में एक BSN नंबर। इंडिया में जैसे आधार कार्ड होता है ना, यहाँ पे BSN नंबर होता है। तो आपको वो रजिस्टर कराना पड़ता है और इससे आपको परमिशन मिलता है कंट्री में कहीं पर भी जाने का, बहुत सारी और भी चीज़ें करने का। पॉइंट नंबर फोर, कंग्रेचुलेशंस, आपने रेंट कर लिया है एक घर। तो अब आपको इस घर का रजिस्ट्रेशन, अपने आप का रजिस्ट्रेशन, वो घर जिस जगह पे है उसके लोकल म्यूनिसिपैलिटी में भी कराना है। एग्जाम्पल, आप एम्स्टर्डम में आए, आपने रजिस्ट्रेशन INDIE में करा दिया, अब आपने घर एम्स्टर्डम में ही रेंट कर लिया है, नो नीड टू चेंज द रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा कहीं और रेंट किया है आपने घर, तो फिर आपको वहाँ के लोकल खमेंते में जाना है और एम्स्टर्डम के खमेंते से आपको डी रजिस्टर करा के अपने आप को अपने वाले जगह पे रजिस्टर कराना है। समझे कि नहीं? नहीं समझे कोई बात नहीं, अपकमिंग वीडियोस। पॉइंट नंबर फाइव, आपको ढूंढना है अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर। बहुत बढ़िया मतलब गूगल में जाके रेटिंग्स चेक कीजिए अपने आसपास, जिसके पास आप इमरजेंसी में तुरंत जा सकते हैं। यहाँ पर उसको हाउस आर्ट्स कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं। यहाँ हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा है कि मतलब पहले आपको वो GP में जाना पड़ेगा, जनरल प्रैक्टिशनर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है देन दे विल टेल यू टू गो टू द हॉस्पिटल। तो आपको ये तो ढूंढना ही पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंटर है जो कि हम इसी में इंक्लूड करना चाहते हैं कि एक तानदार, मतलब कि डेंटिस्ट। बहुत सारे लोगों को डेंटल इश्यूज, आजकल तो सबको ही है डेंटल इश्यूज, तो ये जो है ये भी आप ढूंढ के रखिए अपने घर के आसपास। रजिस्टर कराने की ज़रूरत भी है मन करे तो, अदरवाइज उनको कॉल करके भी उनके साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स, अगर आपके पास बच्चे हैं देन यू डेफिनेटली हैव टू रजिस्टर योर किड्स विद द GGD। ये लोग बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आपके बच्चों को वैक्सीनेशन देना है, उनकी तबीयत खराब हो गई, टाइम टू टाइम उनका चेकअप ये लोग देखते हैं, इसलिए आपको रजिस्टर डेफिनेटली कराना है इसमें। पॉइंट नंबर सेवन, आपको खोलना है अपना बैंक अकाउंट। ट्राई आस्किंग सम हेल्प फ्रॉम द कंपनी यू आर वर्किंग विथ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जगहों पर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना पड़ता है जो कि अच्छा होता है। यूरोज बहुत ही कॉस्टली होते हैं, थोड़ा भी कहीं गिर विर जाए तो समझ रहे हो ना। आई नो आपको लग रहा होगा क्या आंटी वाली बात है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। आप ये सोचो कि 50 सेंट्स आपका गिर गया है, मतलब आपके 40 रुपए गिर गए। ओह नो, तो मतलब
बैंक अकाउंट खोलने से बहुत सारी चीज़ें आसान होती हैं, कहीं भी आपको कोई पेमेंट करना है आसान है, कुछ आपने ख़रीदा और ख़रीद के मतलब आपको रिटर्न देना है तो वो भी इजीली ट्रांजैक्शन यू नो पॉसिबल होता है. सो ओपन योर बैंक अकाउंट. इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. कंपेयर कीजिए, लोगों से पूछिए और फिर फटाफट कीजिए. ताड़ाताड़ी कोरबेन ठीक आछे. पॉइंट नंबर 8, आपको खरीदना है अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट और यहाँ डेफिनेटली खरीदना पड़ता है. हम आपको ये बता देते हैं कि इस चीज़ में डिले करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप मिड ऑफ द मंथ हैं, लास्ट ऑफ द मंथ हैं, फिर भी आपका फर्स्ट मंथ से ही कैलकुलेशन ये शुरू कर देंगे, पैसे कटने ही कटने, तो क्यों ना जब आप एंटर करते हैं कंट्री में तो तुरंत ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए. कि 18 साल तक के बच्चों का मदर या फादर एक के साथ हेल्थ इंश्योरेंस ऐड हो जाता है तो ले ही लो ना. बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज होता है तो इसलिए. और हाँ, ट्राई कीजिए कि इस इंश्योरेंस में आपका डेंटल इंश्योरेंस भी कवर हो. सपोज़ मम्मी और पापा दोनों में से एक ने डेंटल इंश्योरेंस ले लिया है तो उसके साथ बच्चे का भी कवर हो जाएगा. और बच्चों को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, यू ऑल नो, तो ले लो. जब आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो बेसिकली कंपैरिजन करने के बाद आप ये ज़रूर देखिएगा कि इसमें एक्सीडेंट क्लेम होता है कि नहीं, स्पेशली जब आप इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करते हैं तो. क्योंकि यूरोप में जब आप लोग आते हैं तो बहुत जगह पे टूरिज्म है, यहाँ पर आप डेफिनेटली हर बार छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाएंगे, आप अपने होम टाउन जाएंगे, होम कंट्री जाएंगे, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस उसको क्लेम करता है कि नहीं. प्लीज़ कीप दिस पॉइंटर इन योर माइंड. पॉइंट नंबर 9, नाउ दैट यू हैव अ BSN, अब आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, साइन अप करना है DIGI में. ये आपका डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है. इसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ता है, आपके लिए एक पासवर्ड आता है, उस पासवर्ड से आप एक ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करके आप उसमें रजिस्टर करते हो. जब कभी भी आपको कोई इम्पोर्टेंट काम करना हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जैसे हेल्थ कार्ड के लिए, तो आपको उस DIGI ऐप में साइन इन करके और उसको अप्रूव करना पड़ता है कि तुम, सामने वाला जो इंसान है, मेरा डिटेल्स एक्सेस करो. तो DIGI इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हम बता देते हैं, इसका जो पासवर्ड होता है कभी किसी से शेयर नहीं करना है. नो नो नो. एंड पॉइंट नंबर 10, क्या आप लोगों को पता है कि द नेदरलैंड्स एक TB ट्यूबरक्यूलोसिस फ्री कंट्री है. ये यहाँ पर इन लोगों के पास एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जिनमें स्टिल TB एग्जिस्ट करता है, एंड इंडिया इज वन ऑफ दैट प्लेस. तो अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे और आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली कराना पड़ेगा TB टेस्ट. तो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द TB टेस्ट. ये भी GGD में होता है, लोकल खमेंते में भी हो जाता है, आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. तो भाइयों और बहनों, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? अगर ठीक नहीं लग रहा है तो, अगर ठीक लग रहा है तो. और साथ में प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड येस, द पीपल हु आर मूविंग टू द नेदरलैंड्स, शेयर विथ योर फ्रेंड्स and tell them to subscribe my channel too. Point number 11. Now that you are in the Netherlands, आपको भी पता है अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है ठीक से, आपके पास असाइनमेंट्स कम हैं, आपको घूमना है, तो आपको खरीदना है एक ट्रैवल कार्ड जिसको कहते हैं OVCHIP कार्ड. जनरल वाला कार्ड भी खरीद सकते हैं आप, जिसमें कि आपकी फ़ोटो नहीं होगी और आपको, आप कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हस्बैंड वाइफ है दोनों एक्सचेंज भी करके यूज़ कर सकते हैं. लेकिन फिर जब कभी भी आपको मौका मिले, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड वाला OVCHIP कार्ड बनवाइए और वो कार्ड आप हमेशा अपने साथ लेके चलिए. फिर ऐसा नहीं कर सकते आपके हस्बैंड का OVCHIP कार्ड वाइफ यूज़ कर रही है और वाइफ का हस्बैंड, यू नो व्हाई? बिकॉज टाइम टू टाइम बीच बीच में वो चेकिंग होता रहता है, तो अगर आप पकड़े गए तो, यू नो व्हाट आई मीन. पॉइंट नंबर 12, ये वाला पॉइंटर जो है वो आपके घर से रिलेटेड है. अब आप रेंट करके एक फ्लैट में रह रहे हो या रो हाउस में, कैसे भी घर में रह रहे हो, तो आपको वहाँ का जो एनर्जी होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस होता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है. मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं तो आप कंपेयर कर लीजिए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है और आप साइन इन कर लीजिए. मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम अ होम मेकर, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है. पॉइंट नंबर 13, ये वाला पॉइंटर भी आपके फ्लैट से रिलेटेड है. अब जब आप अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं तो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन. क्यों?
क्योंकि अब आपको बहुत सारी चीजें ऑनलाइन करनी है, कहीं कोई ट्रांजैक्शन करते समय बीच में आप फंस ना जाएं, अटक ना जाएं, उसके बाद कभी कभी फ्लाइट्स की टिकट कराना होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ कराना होता है, तो मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट ऑलवेज बेटर फॉर दीज. सो आपको डेफिनेटली लेना है घर के लिए इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई जिसको कहते हैं. और इसके लिए मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो आप सबको कंपेयर कीजिए किसमें आपको अच्छे से डेटा मिलेगा और कम प्राइस में मिलेगा, अपने एरिया में किसका इंटरनेट कनेक्शन ऑल ओवर बेटर है. इसके लिए भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं अपने कलीग्स फ्रेंड्स से, और तब आपको डेफिनेटली इसको ले लेना है. अब जो आगे के पॉइंटर्स हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट इम्पॉर्टेंट, ऐसा है कि अगर आप कर लोगे तो अच्छा है. पॉइंट नंबर 14, आप सभी लोगों को पता है कि द नेदरलैंड्स इज कंसिडर्ड टू बी द बाइक कैपिटल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. तो बाई अ बाइक, और जब आप साइकिल खरीदते हैं या बाईसाइकिल, टू व्हीलर बाईसाइकिल खरीदते हैं, तो आपको साथ में एक मोटा सा चेन खरीदना है. वो सब लोग लगा के चलते हैं, चोरियां भी होती हैं यहाँ पे, यू नेवर नो, लेकिन आप कर सकते हैं कि आप वो चेन खरीद लीजिए. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर आप वो मोटी वाली चेन नहीं लगाएंगे तो बाइक का इंश्योरेंस कवर नहीं होता है. बाइक मतलब बाईसाइकिल, क्योंकि जब तक आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, यू आर नॉट एलिजिबल टू बूम रूम रूम, यू नो, नॉट इवन द टू व्हीलर्स. यू गॉट मी राइट. चलती तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर जैसी भी और मोपेड जैसी भी, लेकिन आपको सारी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस डेफिनेटली होना ही चाहिए. विल टॉक अबाउट इट लेटर. पॉइंट नंबर 15, नॉट सो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स में से एक पॉइंटर है कि आपको हैंड्स ऑन होना है गूगल ट्रांसलेट पे. या तो अगर आपके पास कोई और भी ऐप है जो गूगल ट्रांसलेट से भी बेटर ट्रांसलेट करता है, तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग दैट ऐप. क्योंकि यहाँ पर अगर आप ग्रोसरी खरीदने गए हो, किराना दुकान गए हो, लोकल कोई भी दुकान में गए हो, यू नो, घर देख रहे हो, बच्चे के स्कूल में गए हो, कहीं पर भी, तो वहाँ पे डच में लिखा होता है जो आपको ट्रांसलेट करके चेक करना है. वैसे आपको बता दें कि जो ग्रोसरी स्टोर है, अगर आप वेज नॉन वेज वाला यू नो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो बहुत अच्छी फ़ोटो बनी होती है कि ये चिकन है, उस पर चिकन की फ़ोटो होती है, ये बीफ है, पोर्क है, उसकी फ़ोटो बनी होती है. तो बट स्टिल जानना तो सब कुछ है हमें, इस प्रोडक्ट में चीनी है कि नहीं, टिक टिक टिक, इस प्रोडक्ट में क्या है. तो प्लीज पुट योर हैंड्स ऑन गूगल ट्रांसलेट. ऑलराइट. पॉइंट नंबर 16, जैसा कि आप सभी को पता है कि द नेदरलैंड्स का जो वेदर है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है. पल में शोला, पल में मासा, पल में धूप, पल में छांव, यस इट इज़. और उस वजह से कई बार ट्रेन्स कैंसिल हो जाती हैं, बसेस कैंसिल हो जाती हैं. तो इसलिए आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऐप्स भी डाउनलोड करने हैं, 9 to 9 वाले, 9 AM to 9 PM वाले, और उसमें आपको बसेस का रूट पता चलेगा, ट्रेन्स का रूट पता चलेगा, चल रही है कि नहीं, ये सभी पता चलेगा. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, बट स्टिल अन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर. आई फॉरगॉट इट, मे बी इट्स अ पॉइंट नंबर 17. किसी भी जगह से आप आए हो, आपको अब थोड़ा सा डच सीखना ही होगा, क्योंकि जस्ट इमेजिन आपका जो नेबर है वो डच है, और फिर आपने उससे कहा होय गुडमॉर्निंग, उसको कितना अच्छा लगेगा सुन के, ओह माय न्यू नेबर्स ग्रीटिंग अस इन डच, सो नाइस. सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू ट्राई लर्निंग सम डच. पॉइंट नंबर 18, मैन इज अ सोशल एनिमल, एवरीबॉडी नोज. तो आपको फेसबुक में लॉग इन करना है और आपके अकाउंट से बहुत सारे ग्रुप्स ऐड करने हैं, जो ग्रुप्स आप जहाँ रहने वाले हैं उससे रिलेटेड हो. इंडियंस इन द नेदरलैंड्स, एक्सपैट्स इन द नेदरलैंड्स, और इन सब ग्रुप से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी. बहुत बार आपने क्वेरीज पोस्ट किया तो उस पर बहुत सारे लोग जिनके साथ सिमिलर कुछ सिचुएशन हुआ है वो रिप्लाई करेंगे, आपको हेल्प मिलेगा. किसी का बच्चा है, वो कौन से स्कूल में डालना चाहिए, आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे जो आपको रिप्लाई करेंगे. तो आई बिलीव ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो यस, यहाँ आने से पहले ही आप बहुत सारे ग्रुप्स में अपने आप को ऐड करवाइए. पुट अ रिक्वेस्ट टू द एडमिन एंड डेफिनेटली एडमिन इज़ गोना टेक यू इन. आई बिलीव मैक्सिमम पॉइंटर्स कवर हो गए हैं. जो नहीं कवर हो पाया है, माय डियर फोक्स, प्लीज राइट टू मी इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी रियली हैप्पी. और आपको ऐसा लगता है कि इस पॉइंटर पे एक
बहुत ही अच्छा वीडियो बनाओ, जिससे कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज अलाउ मी डू दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इज 19, माई डियर डियर गर्ल्स, इफ यू डू हैव अ पॉसिबिलिटी टू वर्क इन द नेदरलैंड्स, अगर आपका वीजा अलाउ करता है आपको, तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू लुक फॉर अ जॉब। Maybe you get one which you ever wanted to do. That's the point where I put an end to this video. Until we meet next, bye-bye. Oh, yeah. Doo-doo.